हाँ तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष आज का पहला क्वेश्चन लग गया है। आप लोग तैयार हो ना? जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, अधिक से अधिक सब लोग आ जाओ, है ना। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, 50 फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले यदि आपने पिछले 9 पार्ट को नहीं देखा तो आप उनको देख लीजिए। यूआर एग्जाम में जीके करके प्लेलिस्ट में सेक्शन होगा, वहाँ पर जाके ओके। और आप वीडियो के अंत तक जाएंगे तो आपको वो पार्ट भी मिल जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है दोस्तों, क्वेश्चन मिस मत कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, है ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? भारत हाई इंटरफेस मनी, भारत इंटरफेस ऑफ मैनुअल, भारत इंटरफेस फॉर मनी, या फिर वेस्ट हाइक इंडियन फॉर मनी। बताइए दोस्तों, भीम ऐप का पूर्ण रूप, इसका आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। आप लोग भी कमेंट करिए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की खोज किसने की थी? आपके विलियम कैरियर, या फिर जेम्स वॉट, या फिर चेस्टर कॉल्सन, या नेक्स्ट आता है क्या, जोसेफ सी विल्सन। बताइए दोस्तों प्रिंटर की खोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेस्टर कॉल्सन। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जीमेल की खोज की है लैरी पेज, पॉल बोचेट, या फिर आपका जुकरबर्ग, नेक्स्ट आता है जावेद करीम। तो आपको बताना है कि आपको बताना है इनमें से जीमेल की खोज किसने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पॉल बोचेट। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। दोस्तों आप क्वेश्चंस को हल्के में मत लें, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलने वाले। आप पैसा खर्च करेंगे उसके बावजूद आपको मिल जाए ऐसा कंटेंट, तो है ना। तो आप लोग ये टेंशन छोड़ दें, आप लोग कंटिन्यू वीडियो को अटेंड करें ओके। आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका एग्जाम आने वाला है ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार किस कंपनी ने किया है? आपको बताना है IBM, सन माइक्रो सिस्टम, या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट, या नेक्स्ट आता है क्या इन्फो सिस्टम। आपको बताना है आपकी जो जावा लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, उसका आविष्कार किस कंपनी ने किया है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? डायमंड, पूल, फोर्ट, या रिंग, बताओ बेसबॉल कहाँ पे खेलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डायमंड में। आपका जो बेसबॉल गेम है वो डायमंड परिसर में खेला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? आपका कटक में, पुणे में, चेन्नई में, या फिर भुवनेश्वर में। तो बताइए बाराबती स्टेडियम कहाँ है। तो दोस्तों आपको बता दें, यह है आपके कटक में, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रैमनिक किस देश से संबंध रखते हैं? आपके जो व्लादिमीर क्रैमनिक है वो कहाँ से संबंध रखते हैं, रूस, बेलारूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या फिर आपका पोलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कहाँ से, आपके रूस से बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? आपके आंसर्स हैं बाहुबली ऑप्शंस में बुद्ध है, महावीर है, या फिर आपका नटराज। तो दोस्तों यह पूजा आपके किसके, बाहुबली के लिए होती है। महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, बाहुबली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन है, चंद्रगढ़ों के उत्खनन का निर्देश किया था किसने? JH मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, या फिर आपका REM व्हीलर ने, नेक्स्ट आता है सर ऑरल स्टीन ने। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपके जो चुनू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, निर्देशन बोला है यहाँ पे JH मैके ने। आपके इतिहास के क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, किस में हुई है, वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, या फिर आपका मौर्य युग में।
तो दोस्तों इन सभी की अभिव्यक्ति हुई है स्पष्ट रूप से वैदिक युग में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कौशान है मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कौन होता था? आपको बताना है मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष मानाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष या फिर आपका सीताध्यक्ष। तो जल्दी से कमेंट करिए और इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, संस्थाध्यक्ष। आपके मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कौन होता था? संस्थाध्यक्ष। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो ग्रंथ की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? आपको बताना है मिलिंद पन्नो ग्रंथ की रचना किसने की है, किसके द्वारा की है? नागसेन, मेगास्थनीज, कौटिल या फिर आपका पतंजलि। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, नागसेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर आपका पालों ने। आपकी जो एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र। और इनका निर्माण किसने कराया था जरा बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के निम्न में से किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? आपको बताना है उस शासक का नाम जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। वंश है आपका खिलजी। आपको खुसरो खां, मालिक काफूर, मुबारक खां या फिर आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन है, तुलुप वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कृष्णदेव राज ने, वीर नरसिंह ने, सदा शिवराय ने, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्या, तुलुप वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह ने। ओके ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, तुलुप वंश की स्थापना। क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यदि आपसे ना बने तो आप समझिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है और ये धोखा आपको आगे चढ़कर अखरने वाला है, 100% बात है। अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अवध के नवाब। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। दोस्तों अभी तक मेरी बात मानते रहिए कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, टेस्ट को अटेंड करिए, क्वेश्चन आपके इन्हीं में से निकल के आएंगे। और यदि आप टाइम फालतू में बिता रहे तो आप समझिए कि आपके एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, बेहद ज़्यादा कंपटीशन है। आपका एग्ज़ाम में 85 और 90 के समथिंग कट ऑफ जाता है। तो अब आपकी मर्जी है आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, जरा देखिए। लॉर्ड कैनिंग महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस तारीख को पढ़ा था? 1 नवंबर 1857, 1 नवंबर 1859, 1 नवंबर 1856, 1 नवंबर 1858। तो बताइए इसका राइट आंसर आखिरकार क्या हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं पहले से आपका पॉलिटी कंप्लीट करा चुका हूँ, यदि आपने पॉलिटी के लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा 1 नवंबर 1856, और बार बार कह रहा हूँ रिपीट करते रहिएगा। क्वेश्चन है, क्या महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक निम्न में से किसे माना जाता है? कर्नल रीड, थॉमस मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग या फिर आपका हॉल्ट मैकेंजी। जरा बताइए क्या महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर 4, हॉल्ट मैकेंजी को महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। और दोस्तों इस बात की गारंटी मेरे से ले लीजिए, आप इन क्वेश्चंस को लगा लें, आप किसी स्टेट के पीएससी में भी बैठ जाइए तो आपको क्वेश्चन इन्हीं में से 99% फंसेंगे। सिर्फ स्टेट जीके को छोड़ देना, बाकी आपका जो जीके आता है इन्हीं में से आएगा, ये तो गारंटी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कबीराए कबीराज की उपाधि दी? आपको बताना है बीरबल, अबुल फजल, फैजी या फिर आपका अब्दुल रहीम खाने खाना। तो जरा बताइए दोस्तों अकबर ने किसे कबीराए कबीराज की उपाधि दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
बीरबल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1525, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1528। आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। आपके बेबेल योजना, मिंटो माली योजना, माउंट बैटन योजना या फिर आपका डूरंड योजना। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपको बता दें भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को जाना जाता है आपके माउंट बैटन योजना के बारे में। अभी इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए। यदि आपके क्वेश्चन में 2-5 क्वेश्चन आते हैं किसके, पॉलिटी के, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, माउंट बैटन योजना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था। आपको बताना है वह है जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है क्या। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर होने वाला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर या फिर आपका सरकार के पास उपबंध संसाधनों पर। तो बताओ, कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या आपके सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। क्वेश्चन है आपका नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, आपके क्या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है क्या HC के मुख्य न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, 62, 65, 64 या पर 66 वर्ष। बताइए जल्दी से, कमेंट करिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है क्या आपका 65 वर्ष। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड, आपके जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं। राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर संसद। तो बताओ, आपको बताना है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सन्निहित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 4, आपके संसद में। संसद किससे मिलके बनती है, आपके राज्यसभा, आपकी लोकसभा और आपके प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति, तीनों को मिला दो तो आपकी संसद या पार्लियामेंट बन जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर क्वेश्चन है अंतरराज्य परिषद के गठन की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। बताइए अंतरराज्य परिषद के गठन की शक्ति कौन के पास है, संसद है, विधानसभा है, राज्यपाल है या फिर राष्ट्रपति है, कौन है। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका क्या, राष्ट्रपति के पास है ना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन क्या था जरा पढ़ लो, अंतरराज्य परिषद के गठन की शक्ति किसके पास है, तो आपके राष्ट्रपति के पास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए चेन्नई में जाड़ों में वर्षा किस कारण होती है। आपके यह भूगोल का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा बरसात के सीजन में सब कहीं वर्षा होती है, लेकिन आपका जो शीत ऋतु रहता है, जाड़े, जाड़ों बोलते हैं जिसको, वहाँ पर आपके चेन्नई में वर्षा होती है इस सीजन में, उसका कारण क्या है आपको बताना है। दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या फिर स्थलीय व समुद्री हवाओं से या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए इनमें से क्या है आपका रीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण आपका जो चेन्नई या तमिलनाडु है यहाँ पर वर्षा होती है आपके शीत ऋतु में। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ पर ठंड पड़ती है तब वहाँ पर वर्षा होती है, इसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। अब आप समझते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, अब यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून रहते हैं, उत्तर और यहाँ पर पूर्वी, यहाँ के मानसून आते हैं जिसकी वजह से आपके तमिलनाडु में वर्षा होती है।
अब रीजन रीजन क्योंकि जब मानसून लौटने लगते हैं हवाएं, आपका मानसून लौटता है उस टाइम पे यहाँ पर वर्षा होती है, लौटते मानसून की वर्षा यहाँ पर होती है आपके तमिलनाडु चेन्नई में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो बताइए भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर आपका झारखंड। तो बताइए फ्रेंड्स, ये तो आपको टिक पर याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और आप कर नहीं पाओगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपका झारखंड, है ना, झारखंड से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। जल्दी से बताइए, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर आपका देवप्रयाग। आपको बताना है निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 देवप्रयाग, है ना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम या फिर आपका राजस्थान। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको बताना है क्या भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। यहाँ पर राइट आंसर है क्या महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, क्या कुद्रेमुख प्रसिद्ध लोहा क्षेत्र कहाँ पर है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या फिर आपका उड़ीसा में। बताइए, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या कुद्रेमुख प्रसिद्ध लोहा क्षेत्र कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक। ओके, आपका जो कुद्रेमुख प्रसिद्ध लोहा क्षेत्र कर्नाटक में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन बी 2 या फिर विटामिन ए। आपको बताना है क्या किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट विटामिन बी 12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यदि आ जाए कि इसमें पाया जाता है तो विटामिन बी 12 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो आपके एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड या पोटास एलम। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पोटास एलम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन खाली स्थान से जुड़े होते हैं, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जी तंत्र। जल्दी से बताओ नेफ्रॉन किससे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका उत्सर्जी तंत्र। जैसा कि मैंने बताया था आपके जो उत्सर्जी अंग अलग होते हैं, तंत्रिका, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जिन तंत्रों को हम पढ़ा देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध का क्या इंपीरियल पैलेस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। जल्दी से बताइए आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर डेनमार्क। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसका, जापान का आपका इंपीरियल पैलेस देश का राष्ट्रीय राजमार्ग है जापान का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद का विरोध दिवस तारीख को मनाया जाता है, 30 जनवरी, 21 जनवरी, 21 मई, 31 अक्टूबर या 21 मार्च। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, आतंकवाद का विरोध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या 21 मई को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, कालिदास का, मालकी, आपका मालवी का मित्रम या फिर आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर आपका तिरुवल्लुवरम का तिरुकुसल। जल्दी से कमेंट करिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, क्या आमिर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है, आपके सितार, तबला, शहनाई या फिर सरोद। जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सितार, आमिर खुसरो का नाम सितार से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, जर्मन और पोलैंड के मध्य में कौन सी रेखा स्थित है, रेड क्लिप रेखा, मैकमोहन रेखा, हिंडनबर्ग रेखा या फिर आपका 38वीं सामांतर रेखा।
जल्दी से कमेंट करना है आपको और बताना है जर्मन और पोलैंड के बीच में। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या हिंडनबर्ग रेखा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया, प्रणब मुखर्जी, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई, डेविड एटनबरो। तो दोस्तों आपका यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति सम्मान 2019 से आपके डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर पुस्तकें किसके भाषणों का संग्रह है, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह या फिर आपका आता है नेक्स्ट, कुछ नहीं बताइए, तीन ही ऑप्शन बताइए, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका श्री रामनाथ कोविंद होगा, दोस्तों मैं यहाँ पर लिखना भूल गया सॉरी, है ना, श्री रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे। ओके चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न हुए दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला फुटबॉल कप विजेता है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है क्या, आपका भारत या हमारा भारत। हाल ही में संपन्न हुए दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ आपके ASAFF महिला फुटबॉल कप का विजेता है भारत। आपको कभी कभी पूछ लेंगे ASAFF का फुल फॉर्म, तो आपको ये भी याद कर लेना है। हमारा क्वेश्चन है मालाबार 2019 त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किन दो देशों के बीच हुआ था, जापान चीन, जापान रूस, जापान अमेरिका, अमेरिका और रूस, कमेंट करो। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जापान और अमेरिका। आप यहाँ से अभी याद कर सकते हैं क्या अमीर लोगों ने माला से जाप किया, हो गया याद हो गया ना, अमीर लोगों ने माला से जाप किया, तो अमेरिका और जापान मालाबार। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया है, बांग्लादेश, ईरान, पाकिस्तान या फिर आपका नेक्स्ट अफगानिस्तान। आपको बताना है किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, पाकिस्तान ने। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीयों को बिना वीजा आने की अनुमति दी है, आपको वीजा की आवश्यकता नहीं यदि आप उस देश पर विजिट करना चाहते हैं, अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया फिर आपका जापान। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है क्या, आपका जापान, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें 28वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, आपका प्रोफेसर नामवर सिंह, लीलाधर जगोड़ी, कुमार विश्वास या फिर राहत इंदौरी, जल्दी से कमेंट करिए किन्हें 28वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, लीलाधर जगोड़ी जी को आपके 28वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर समाप्त, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में आपके करीबन 50 के समथिंग क्वेश्चन लाकर, यहाँ पर हमने यहाँ पर 50 के समथिंग क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों आप जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, आप लोग इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हो, एक लाइक प्रेस करने में आपका क्या जाता है मेरे को समझ में नहीं आता, है ना, लाइक आती है वीडियो लाइक करें, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ तो करें। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, रिवीजन करते रहें। ओके जय हिंद, जय भारत।